इस यूपी इस जो एनजीओ है आगरा वाला, इस एनजीओ से किस तरह से समन्वय करके सेंटर चलाएगा? हम एमवी फाउंडेशन का हिसाब से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश मैंने इंडिया में काम कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें बाल श्रमिक के लिए सभी पाठशाला से बाहर बच्चे जो स्कूल में रहने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों के राइट्स क्या है, बच्चों के राइट्स वायलेंस कैसा हो रहा है, तो बच्चों के साथ स्कूल से कैसे जुड़े। तब हम लोगों ने इससे पहले एक विजिट किया था कि एमवी फाउंडेशन से यूपी जीएसएस एनजीओ से मिलकर पहले यहाँ पर शांतिनगर में जूते के काम पे जो रोजगार में ज्यादा से ज्यादा बच्चे 6 साल से लेकर 18 साल तक बच्चे लोग वो घर में जो हैंडवर्क कर रहे हैं उसमें सब शांतिनगर के बच्चे हैं। तो उससे बाद में हम लोगों ने जो एमवी फाउंडेशन यूपी जीएसएस के साथ में एक मीटिंग हुआ और सर्वे किया। उसके बाद में फिर जो प्रोजेक्ट प्रपोजल किया तो प्रोजेक्ट अपना को यहाँ पर प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ है, जिस हिसाब से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। कितने सेंटर खुलेंगे यहाँ पर और अपना क्या वो रहेगा इसमें? शांतिनगर में हमने 0 से 18 साल तक सर्वे किया। इसमें जो अपने को स्कूल में मिला है, जो पढ़ने वाले बबच्चे प्राइवेट स्कूल में, जो गवर्नमेंट स्कूल में 1003 बच्चा है, और शाला से बाहर बच्चा है 233 बच्चा है, और जो 0 से 5 साल तक है जो 501 बच्चा है। सारे मिला के बच्चों के लिए हम लोगों ने जो सेंटर में जो ड्रॉप आउट चिल्ड्रेन है उसको बीच कोर्स के द्वारा में जो हम लोग एक कक्षा में बैठने 14 साल के लड़का फिर एक क्लास में नहीं बैठ सकता है तो इसको बीच कोर्स में 9 महीने सेंटर चला के उसको 5th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड में पढ़ाएंगे। इस सेंटर में बच्चों के एक रूट माने एक साइड ट्रैक होगा इसका लाइफ, फिर उसको एक ट्रैक में लाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। इस बीच कोर्स से यूपी जीएस सहयोग से हम टेक्निकल सपोर्ट एमवी फाउंडेशन मिला के सारे बच्चे स्कूल में रहना चाहिए, उस शांतिनगर में कोई भी बाल श्रमिक नहीं होना चाहिए। जो चाइल्ड फ्री जोन को लेकर के आप सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं, क्या रूपरेखा है उस पूरे सेंटर की, किस तरह से काम करेगा? चाइल्ड फ्री जोन बनाने का जो हमारा उद्देश्य है वो जो है एमवी फाउंडेशन के द्वारा इस क्षेत्र का पहले सर्वे किया गया था 5 से 5 साल पहले, और सर्वे के दौरान पाया गया था कि यहाँ जो है विद्यालय की व्यवस्था नहीं है, बच्चे जो है स्कूल से बाहर हैं, और इन बच्चों कामकाजी बच्चों को कैसे विद्यालय में जोड़ा जाए इसके लिए उन्होंने सर्वे किया। फिर उसके बाद में उन्होंने हमारे साथ मीटिंग की, मीटिंग के बाद में ये निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण शिक्षा संस्थान और एमवी फाउंडेशन मिलकर सर्वे किया। सर्वे करने के बाद वहाँ हम 258 बच्चों का जो है सर्वे में 258 बच्चे पाए, उन बच्चों के लिए एक सेंटर में 50 बच्चे पढ़ाने के उद्देश्य से 5 सेंटर खोलने का वहाँ प्रस्ताव लिया गया हम लोगों ने।